राजपूत योद्धा बनकर अजय देवगन को चुनौती देंगे सैफ अली खान। तानाजी से रिलीज हुआ दमदार लुक। बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अपनी फिल्म तानाजी को लेकर सुर्खियों में है। पिछले काफी समय से फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके बाद फिल्म के कई पोस्टर भी सामने आ चुके। अब हाल ही में अजय देवगन की इस 100वीं फिल्म को लेकर चर्चा बटोरी जा रही है। पिछले दिनों ही फिल्म से अजय देवगन का तानाजी लुक सामने आया था, जिसे शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने भी अजय को बधाइयां दी थी, जिसके बाद अब सैफ अली खान का भी राजपूत योद्धा का लुक सामने आ चुका है। बता दें, फिल्म में सैफ और तानाजी मालसुरे के बीच जंग होगी। सैफ अली खान का लुक काफी खूंखार दिख रहा है। वही सामने आए इस पोस्टर में वो हाथों में तलवार लिए हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये तो साफ तौर पर साबित होता है कि फिल्म में वो विलेन होंगे। आपको बता दें कि अजय देवगन ने सैफ अली खान का लुक रिवील किया है। उन्होंने लिखा है कि उदय भान के दरबार में गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। फिल्म ओंकारा, कच्चे धागे और एलओसी करगिल में साथ काम कर चुके अजय और सैफ इस फिल्म में करीब 13 साल के बाद साथ में काम कर रहे हैं। खास बात यह है, इतने सालों के गैप के बाद भी दोनों की केमिस्ट्री काफी मजबूत है। बात यदि इस फिल्म में सैफ के किरदार की करें तो उदय भान सिंह राठौर महान योद्धा होता है। वो पैसे लेकर मुगलों के लिए काम करता है, वो बुरा नहीं, आखिरकार वो सही का ही साथ देता है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के जॉनी डिप से मिलता जुलता कैरेक्टर है। वही इस फिल्म में अजय देवगन मराठा योद्धा तानाजी मालसुरे हैं। तानाजी शिवाजी के सेनापति थे। 1670 में तानाजी ने मुगलों के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की थी। सिंहागढ़ के युद्ध में उन्होंने मुगलों से कोंदना फोर्ट जीता था। इस फिल्म में काजोल तानाजी की पत्नी सावित्री मालसुरे के रोल में है। फिल्म का ट्रेलर 19 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है, तो वहीं फिल्म अगले साल 10 जनवरी को रिलीज होगी।